हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एडवर्सिटी विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं हमारी क्रिकेट टीम के प्रेजेंट कैप्टन रोहित शर्मा को। सो गाइस, मैं सबसे पहले ले चुकी हूँ प्रिंटर से ये वाला इमेज रेफरेंस के तौर पे। अभी इसके ऊपर मैं यहाँ पर ग्रिड ऐप के मदद से इस तरह से ग्रिड को अप्लाई करूँगी और यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ग्रिड को ग्रिड के जो साइज़ है उसको रखी हूँ 2 सेंटीमीटर कर करके। आप लोग चाहे तो आपके हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सिंपली गाइस, गूगल प्ले स्टोर से आपको पहले ग्रिड ऐप डाउनलोड करना है कोई भी अच्छा खासा रेटिंग देख के। देन आपका जो ड्राइंग पेपर है उसके साइज को सिलेक्ट करके उस कोई भी रेफरेंस के ऊपर आप लोग इस तरह से ग्रिड लाइन क्रिएट कर सकते। जैसे कि मैं पर A4 साइज के पेपर, इसलिए चारों तरफ मैं 1/2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के 2 सेंटीमीटर करके एक एक बॉक्सेट को क्रिएट की हूँ, जिसके वजह से भाटी के लिए पर मुझे 10 लाइन मिली है और यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रही हूँ अपने सुविधा के लिए। एंड हॉरिजॉन्टली 14 लाइन हमें यहाँ पर मिले हैं, 14 बॉक्सेस। बस ये लाइन क्रिएट करने के बाद करना क्या है, कहाँ से हम लोग शुरुआत करें, ये एक क्वेश्चन रह जाता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको जिस जगह से पसंद है, जिस जगह से सुविधा लगे उसी से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रो में 6 एंड ऊपर वाले हिस्से में 5 में आँख है। आप लोग अगर आई से शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग बॉक्स को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है आप लोगों को एंड देख के सेम उसी बॉक्स में उसको ड्रॉ करते जाना है। मैं हमेशा ऊपर से शुरुआत करती हूँ टॉप से, इसलिए मैं टॉप से ही शुरुआत कर रही हूँ। एंड हाँ, जब भी आप लोग आउटलाइन कीजिएगा कोई भी एज ग्रेड की हल्का सा पेंसिल लेना। यहाँ पर मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं 4B ले रही हूँ, लेकिन आउटलाइन के लिए बेस्ट है एज ग्रेड के पेंसिल। एज भी हो जाए, एच हो जाए, 2H हो जाए, इस टाइप के। अगर आप लोग कुछ ज़्यादा ग्रेड के पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं पर 4B यूज़ कर रही हूँ, तो हल्के हाथों से काम करना है क्योंकि आउटलाइन हमेशा आपको विदाउट प्रेशर, मतलब बिना प्रेशर से काम करना है आउटलाइन के लिए। क्योंकि अगर आप प्रेशर के साथ काम करते हो तो उसका छाप छोड़ जाता है। जब आप लोग नेक्स्ट पार्ट में शेडिंग करोगे या फिर कोई कलर अप्लाई करने वाले हैं तो हमें थोड़ा सा आउटलाइन को मिटाना पड़ता है, इसलिए प्रेशर अप्लाई मत करना। सो बस अभी रेफरेंस को देखते जाना है, एक एक बॉक्सेस को अच्छी तरह से देखते जाना है एंड हल्के हाथों से आउटलाइन को क्रिएट करते जाना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को गाइस इस वीडियो के स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है तो सेटिंग में जाके आप लोग स्पीड को कम कर सकते हैं। गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो किसी को हेल्प करता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे बायो में है। क्योंकि मैं जो भी ड्राइंग करती हूँ उसका जो इमेज होता है, ड्राइंग इमेज होता है, वो अगर आप लोग देखना चाहते हो कैसा हुआ है तो आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में फॉलो करना पड़ेगा। इस स्टेप में गाइस, जैसे कि आउटलाइन में बहुत सारे लोग थोड़ा सा शेडिंग भी कर देते हैं, बट यहाँ पे मैं शेडिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो है ऑयल पेस्टल से, तो फिर से तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही हल्के से यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन को ही क्रिएट कर रही हूँ, इसमें कुछ शेडिंग मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ। फिर भी गाइस, अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का कमेंट का आंसर देने के लिए। बस मेरा ये आउटलाइन हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। ये आउटलाइन करने में मुझे 28 मिनट्स लगा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।